अगर एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर है तो वो टिश्यू बन सकता है, लेकिन एक ऑप्शन और है एंड या और, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि सिमिलर स्ट्रक्चर हो और दूसरा काम भी करे, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये काम ना करे दूसरा काम करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये काम ना करे ये काम करे, ठीक है। तो एंड और लगता है, वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि सिमिलर इन स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर एक साथ काम करे एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। तो मतलब जरूरी नहीं, यहाँ पे दो क्राइटेरिया मेंशन हमने किया है, सिमिलर इन स्ट्रक्चर होना चाहिए या फिर वर्क एक साथ काम करना चाहिए एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही क्राइटेरिया अप्लाई हो जाए, बट अगर इनमें से कोई एक क्राइटेरिया भी अप्लाई हो रहा है तो उसको टिश्यू के अंदर ही रखते होंगे, ठीक है। सो ये रहा टिश्यू का डेफिनेशन। अब आप बताओ कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो टिश्यू होगा ऑब्वियसली, सो मल्टी क्या सारे ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू होता है? तो जरूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि सेल एग्रीगेट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, सो सेल एग्रीगेट्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे ही वर्टिकल ऑर्गेनिज्म टिश्यू लेवल के हो, बट मैक्सिमम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास टिश्यू होता है, ठीक है। सो क्या जैसे कौन कौन से ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनके पास टिश्यू होगा? तो प्लांट्स के पास होगा, फंगी के पास होगा, एनिमल्स हमारे पास होगा, एनिमल्स में भी बहुत सारे टाइप है जैसे टॉप अबाउट है हमारे पास है, ओके। तो क्या इन सबका टिश्यू एक जैसा होता है, एक जैसे काम करता है? सो जरूरी नहीं है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि लोअर लेवल में है, लाइक एनिमल्स में ही आप देख लो, एक जगह हम है और एक जगह कहाँ वो अर्थ वॉर्म है। सो क्या हमारा टिश्यू और उसका टिश्यू सेम है? नहीं कह सकते हैं, हाँ काफी हद तक सिमिलैरिटी है, तभी तो हम लोग एनिमल्स में है ना, बट एट द सेम टाइम सेम नहीं होगा, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। और प्लांट्स और एनिमल्स में आपको बैकग्राउंड तो बहुत ही डिफरेंस मिलेगा। तो प्लांट्स और एनिमल्स का यहाँ पर हम बात करेंगे, प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज के बारे में पर्टिकुलरली बात करेंगे। सो प्लांट्स और एनिमल्स में जो टिश्यूज होते हैं, ये टिश्यूज इसी बेसिस पर होते हैं कि हमारा ग्रोथ कैसा है, हम कैसे परफॉर्म करते हैं, हमारा लिविंग स्टाइल क्या है, हम क्या काम कर सकते हैं, प्लांट से क्या कर सकता है, हमारे अंदर क्या कितना एक्टिविटी है कितना नहीं है, इस चीज पर डिपेंड करेगा कि हमारा टिश्यू कैसा है। तो एक बार इससे देखते हैं, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को थोड़ा कंपेयर करते हैं, ठीक है। ओके, सो हम बात करने वाले हैं प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज के बारे में। तो पहले हम इनका फंक्शन, डे टू डे फंक्शन देख लेते हैं। सो हम कंपेयर करते हैं थोड़ा प्लांट्स और एनिमल्स, क्या डिफरेंस है? सबसे पहला चीज तो प्लांट्स आर स्टेशनरी, दीज आर स्टेशनरी, या फिर आप फिक्स बोल सकते हो, ठीक है, एक जगह पर ही खड़ा रहेगा जिंदगी भर वही रहेगा। जबकि एनिमल्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, एनिमल्स कभी भी शांत नहीं बैठ सकते हैं, उनको हमेशा मूव करना ही पड़ता है खुद के सर से। सो दीज आर मूवेबल, या फिर आप कह सकते हो मोबाइल, ठीक है, या फिर आप और भी वर्सेस कर सकते हो लोकोमोशन, ये है लोकोमोशन। सो ये है पहला पॉइंट कि ये स्टेशनरी होता है और वो मोबाइल होता है। सो इनके पास मूवमेंट के लिए मसल्स होना चाहिए सो दैट एक जगह से दूसरे जगह जा सके। तो मसल टिश्यू इनके पास चाहिए, इनके पास मस्कुलर टिश्यू का कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि एक ही जगह पर पड़े रहेंगे, तो क्या ही जरूरत है मस्कुलर टिश्यू का? कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ एक ही जगह पर रहेंगे तो इनको बहुत ही टफ, मतलब गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी सीजन हो, कितना भी स्नोफॉल पड़ रहा हो या फिर एकदम कपता हुआ धूप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको वहीं के वहीं रहना है।
तो जब वही के वही रहेंगे तो बहुत सारे टफ सिचुएशंस को फेस करेंगे। सो इसके लिए इनको चाहिए होता है स्ट्रेंथ, स्टेशनरी रहने के लिए इनको चाहिए स्ट्रेंथ, ठीक है। जबकि मोबाइल होने के लिए जब आप मूव करते हो, यहाँ से वहाँ जाओगे वहाँ से वहाँ जाओगे, सो बहुत आप थक जाओगे, एनर्जी कंज्यूम होगा, सो दीज आर मोर एनर्जी कंज्यूमिंग, इनको चाहिए एनर्जी, ठीक है। देखो दोनों का नीचे अलग है, इसको चाहिए स्ट्रेंथ, इसको चाहिए एनर्जी, तो इसके पास अलग टिश्यू होगा स्ट्रेंथ के लिए और इसके पास अलग टिश्यू होगा एनर्जी के लिए, ठीक है। दूसरा पैटर्न आपको, दूसरा चीज जो मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो ये कि प्लांट्स जो होते हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। दे आर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, जबकि एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफिक। सो इससे क्या अंतर पड़ता है, ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक है? तो जब ये ऑटोट्रॉफिक है तो इनको, इनके पास वो टिश्यूज होना चाहिए, वो सारा चीज अवेलेबल होना चाहिए, केमिकल्स अवेलेबल होने चाहिए जिससे इसके थ्रू ये खाना बना सके, ये खुद का एनर्जी कैप्चर कर सके, खुद का काम मतलब खुद का खाना प्रिपेयर कर सके, इसके लिए इनके पास टिश्यू चाहिए। जबकि इनका सिंस ये हेटरोट्रॉफिक है इनको डाइजेशन के लिए चाहिए, क्योंकि डाइजेस्ट करेंगे तब तो ये अपने काम के हिसाब से अपना खुद का चीज डेवलप कर पाएंगे ना। सो इनको चाहिए डाइजेशन, जबकि इनको चाहिए खाना बनाने का सारा मशीनरी चाहिए, ठीक है। सो अलग अलग नहीं से आपका प्रॉब्लम हो गया। तीसरा चीज अगर आप देखो तो ये है ग्रोथ से रिलेटेड, इनका होता है स्पेसिफिक ग्रोथ। कोई दिक्कत नहीं है रेड सेल्स को रहने में,
लेकिन उनका मेंटेनेंस कम होता है जबकि वो लिविंग सेल्स का मेंटेनेंस ज्यादा होता है। तो प्लांट्स ऐसा नहीं कि लिविंग सेल्स नहीं है, बट स्ट्रेंथ देने के लिए, स्ट्रेंथ तो दोनों का बराबर ही है, लगभग लिविंग सेल्स का या डेड सेल्स का हो, बट एट द सेम हाइट आपका मेंटेनेंस कम चाहिए, स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। तो इसी के लिए आपके पास ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए ज्यादा डेड सेल्स होता है। वहीं असल में मैंने कहा कि एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए, सो एनर्जी ज्यादा चाहिए टू डाइजेशन, और हाइड्रोट्रॉफी भी है तो डाइजेशन भी करना है। सो ये इन चीजों को मेंटेन करने के लिए अच्छे से हमें ज्यादा एनर्जी मिल सके, इसके लिए हमें ज्यादा एक्टिविटी करना होगा, और ज्यादा एक्टिविटी करने के लिए हमारे पास डेवलप्ड सिस्टम होना चाहिए, डेवलप्ड मशीनरीज होना चाहिए जिसके थ्रू हम ये सब अचीव कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ठीक है, वी हैव कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन या फिर आप कह सकते हो ऑर्गन सिस्टम। ये हमारा जरूरत है, क्यों जरूरत है, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। आपका प्लांट्स में ऐसा कुछ है क्या, प्लांट्स में कॉम्प्लेक्स ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम्स नहीं रहेगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको ज्यादा जरूरत है नहीं, इनको बस ऑटोट्रॉफिक अपना खाना पीना बंद करना चाहिए बस, और स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए। सो इनके पास अधिकतर डेड सेल्स ही होते हैं, ठीक है, दे डोंट हैव, आप ऐसे लिख सकते हो मोर डेड सेल्स देन लिविंग सेल्स, या किसी को बोलो हैव मोर डेड सेल्स। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, डिविजन ऑफ लेबर और टिश्यू के बारे में। इसके अलावा हमने कंपेयर किया प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू को। नेक्स्ट वीडियो में हम और जानेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कोई डाउट रह गया तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।